देश की जनता इन्ना ज़्यादा गरीब आ कि 35 रुपये भी दिहाड़ी परिवार को मिलती हैगी ना, लोगों को खाने वास्ते रोटी आ, ना रहने वास्ते मकान आ, तो ना पाने वास्ते कोई कपड़ा। लेकिन गरीब जनता वालों चुने जाते जिहड़े देश भर के विधायक इन्ने अमीर ने, तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते अगे कि साडे वालों गरीब भारत वालों गरीब लोगों वालों चुने हुए जिहड़े विधायक ने वो लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबांपति नहीं, खरबांपति ने, तो फिर भी देश दे MLA MP अमीर ने, तो देश गरीब आ, देश की जनता गरीब आ। हालात ये ने, जिहड़े चुने हुए विधायक ने, करीब इस टाइम इंडिया के 4001 विधायक ने जिहड़े वख-वख सूबे दियां असैंबलियां चो चुन के आउंदे ने, ते जिन्हां दी कुल प्रॉपर्टी जिहड़ी जायदाद आ वह 54,545 करोड़ आ। इन्ने करोड़ के मालक ने, 54,545 करोड़ के मालक ने ये 4000 विधायक, तो इन्हां दी जिहड़ी टोटल कमाई आ, इनकम ने जायदाद आ, ये जिहड़े नॉर्थ ईस्ट के सूबे ने नागालैंड, मिजोरम अते सिक्किम, इन्हां तीन सूबियां दे अगर कुल सालाना बजट जिहड़ा 2023-24 पेश कीता सी 49,103 करोड़ रुपया से, मतलब तीन सूबियां दा सालाना जिहड़ा बजट पेश कीता गया सी 49,103 करोड़ रुपए ने, तो जिहड़े साडे वल्लों चुने हुए विधायक उन्हां दी जिहड़ी प्रॉपर्टी आ 54,545 करोड़ आ, मतलब ये सूबा सरकारां नालों भी अमीर ने विधायक। इंडिया अंदर काफ़ी लंबे समय तो इस मसले पर जिहड़ी एक NGO आ, एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR अते नैशनल इलेक्शन वॉच, वो अजिहे स्टडी करते रहेंगे ने, तो उन्होंने जिहड़ी हुण स्टडी जां अध्ययन देश की जनता के सामने रखिया, वो हिला के रख रहा कि देश भर के जिहड़े सूबियां दे MLA ने उन्होंने जिहड़े उन्होंने घोषणा पत्र जारी की आ, उसके मुताबिक उन्होंने जिहड़ी कुल प्रॉपर्टी इनकम जायदाद आ 54,545 करोड़ आ। जिहड़े तीन सूबे ने, नागालैंड ने जिहड़ा बजट पेश किया 23,086 करोड़ रुपए का, मिजोरम ने 14,210 करोड़ का, तो सिक्किम ने 11,807 करोड़ का। ये तीन सूबों का कुल अगर जोड़ कर लीए कि इन्होंने तीन सूबे ने कितना बजट पेश किया, 49,103 करोड़, लेकिन जिहड़े MLA ने 54,545 करोड़ के मालक ने। इस रिपोर्ट में 84 राजनीतिक पार्टियां दे 4001 मौजूदा विधायक अते आजाद विधायकों का जिहड़ा स्टडी की गई है। इन अंकड़िया मुताबक जिहड़ी विधायकों की जिहड़ी औसतन प्रॉपर्टी आ वह करीब 14 करोड़ आ, ते भाजपा दे इस समय 1356 MLA ने देश भर दे विच, जिन्हां दी औसतन प्रॉपर्टी जायदाद वो कोई 12 करोड़ बनती है। दूजे पासे कांग्रेस पार्टी दे इस समय कुल 719 विधायक ने, जिन्हां दी प्रॉपर्टी औसतन कोई 22 करोड़ रुपया करीब बनती हैगी आ। ये जिहड़े टॉप अगर 5 की गल की जाए, जिन्हां दे विधायकों की इनकम है, भारतीय जनता पार्टी दे 1356 विधायक ने, जिन्हां दी कुल 16,234 करोड़ रुपए के मालक ने। कांग्रेस के 719 विधायक ने जिहड़े 15,798 करोड़ के मालक ने। एक YSRC आ जिहड़ी पार्टी हैगी आ, उहदे कुल 146 विधायक ने, जिन्हां 146 विधायकों की कुल प्रॉपर्टी हैगी आ 3379 करोड़ रुपया। और इस तरह DMK दे 131 विधायक ने, जिन्हां की आमदन 1663 करोड़ आ। तो इस टाइम आम आदमी पार्टी के देश भर के 161 MLA ने, जिन्हां की कुल प्रॉपर्टी कोई 1642 करोड़ रुपए के मालक आम आदमी पार्टी वाले भी ने। और कर्नाटका दे विच सब तो ज़्यादा अमीर विधायक रहिंदे ने। कर्नाटका दे अगर 223 विधायकों की गल की जाए तो उन्हां दी प्रॉपर्टी कुल 14,369 बन जाती हैगी आ। महाराष्ट्र के 284 MLA ने, जिन्हां की कुल प्रॉपर्टी 6,679 बन जाती आ। आंध्र प्रदेश के 174 विधायकों की जिहड़ी प्रॉपर्टी टोटल आ 1,414 करोड़ आ। UP के 403 विधायकों चो उन्हां दी जिहड़ी टोटल इनकम बन जाती किन्ने करोड़ों के मालक ने, 3,255 ने। तो गुजरात के 182 विधायकों की कुल प्रॉपर्टी जायदाद के मालक ने 2,987 करोड़ रुपए के मालक ने। और त्रिपुरा के सब तो घट प्रॉपर्टी वाले जिहड़े लोग ने वो रहिंदे हैगे ने। इन्हां चो
झारखंड के नासी विधायक ने जेडे 292 करोड़ के मालक ने, सिक्किम के 32 विधायकों चो 260 करोड़ के मालक ने, मणिपुर के 60 विधायक जिन्हें कुल की आमदन बन जाती 225 करोड़, मिजोरम के 40 विधायक ने जिन्हें कुल आमदन बन जाती 190 करोड़, त्रिपुरा के 69 विधायकों की कुल आमदन 90 करोड़ बन जाती है। वैसे इंडिया के कुल 4033 विधायक ने, तो 4033 विधायकों चो 4001 विधायकों की जी प्रॉपर्टी का डाटा इकट्ठा किया गया। जेडे सब तो ज़्यादा अमीर हैं जिन्हें प्रॉपर्टी हैगी विधायक वो किड़े ने, डी के शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के जेडे 1413 करोड़ के मालक ने, एक के एच पट्टास्वामी गौड़ा ने उन्हें 1267 करोड़ के मालक ने, एक कांग्रेस के ने प्रिया कृष्णा MLA उन्हें 1156 करोड़ के प्रॉपर्टी है, TDP के जेडे प्रधान ने एन चंद्रबाबू नायडू वो 668 करोड़ के मालक ने, भाजपा के विधायक ने जयंती बाई सोमबाई पटेल ये 666 करोड़ के मालक ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने एक श्रेषा BS ये 648 करोड़ के मालक ने, एक YSRCP के जेडे प्रधान के मुख्यमंत्री ने इस टाइम आंध्रा के YS जगनमोहन रेड्डी वो 510 करोड़ के ने, भारतीय जनता पार्टी के MLA ने पराग शाह ये 500 करोड़ के मालक ने, कांग्रेस के TS सिंहदेव विधायक ने 500 करोड़ के मालक ने, भारतीय जनता पार्टी के ने MLA मंगल प्रताप लोढ़ा ये 444 करोड़ के मालक ने। जेडे कर्नाटका के डिप्टी CM DK देश के सब तो अमीर विधायक ने, वह ने 1400 करोड़ के मालक, उन्होंने जिन्हों की प्रॉपर्टी 1400 करोड़ तो वध है, और दूजे तो तीजे नंबर पर भी सब तो जोड़े विधायक ने अमीर ने वह भी कर्नाटका के ने, और दूजे नंबर के जोड़े विधायक ने वह भी कर्नाटका के, जिन्हों का नाम है KH पट्टास्वामी गौड़ा, जिन्हों की इनकम टोटल 1267 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो तीसरे नंबर के कर्नाटका के ही कांग्रेस पार्टी के विधायक ने प्रिया कृष्णा, जिन्हों की 1156 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। सब तो घट अगर प्रॉपर्टी वाले विधायक ने पश्चिमी बंगाल के ने भारतीय जनता पार्टी वालों, निर्मल कुमार दारा जिन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 1700 रुपए दसी ने, उस तो बाद आजाद विधायक ने मकरंदा मधुली उड़ीसा तो ने, उन्होंने 15000 रुपये दसी हैगी है। अगर पंजाब तो गल की जाए तो नरेंद्र कौर भरा जेडे संगरूर तो MLA ने, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जेड़ी दसी सी वो बड़ी उन्होंने घट दसी सी, 24409 रुपए के मालक ने, लेकिन जो उन्हों का विआह होया तो जड़िया उन्होंने 5-6 पार्टियां दतिया है उस तो लगता सी कि कागजा च जरूर वो गरीब हो सकते हैं, पर जड़िया उन्हें नरेंद्र कौर भराज ने विआह दियां पार्टियां दतिया सी उस तो लगता सी कि वह भी करोड़ों रुपए के मालक ने। इस तरह एक होर आम आदमी पार्टी के पंजाब तो ने नरेंद्र पाल सिंह सामना, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जायदाद कुल 18370 रुपए दसी सी, लेकिन उन्होंने भी विआह दियां जिहड़ियां पार्टियां ने उत्ते भी लखां रुपए का खर्च होया सी, तो उस तो भी महसूस हुंदा कि कागजां च भावें गरीब सी वैसे वह अमीर है, क्योंकि इन्हां दोनों जाणे ने विआह ते लखां रुपए खर्च किए सी, इस करके कागज कुछ होर बोलते हैं तो हकीकत कुछ होर बोलती है। वैसे अगर जिन्होंने एफीडेविट की गल की, जेडे सब तो घट जायदाद के मालक ने उन्हां च निर्मल कुमार दारा वो भारतीय जनता पार्टी ने 1700 रुपए दे उन्हें दस्या है बंगाल तो, इस तरह मकरंद मधुली आजाद विधायक 15000 रुपये, नरेंद्र पाल सिंह सवना ने 18370 रुपए, नरेंद्र कौर भराज ने 24409 रुपए, मंगल कलिंदी JMM पार्टी के ने उन्होंने 30000 रुपये, इस तरह AITC के विधायक ने पुडरी काक्ष साहा ये 30423 रुपए के मालक ने। जेडे टॉप 10 अमीर विधायकों चो 4 कांग्रेस के ने, 3 भारतीय जनता पार्टी के ने, तो देश के जेडे 20 सब तो अमीर विधायकों विचों 12 कर्नाटका के ने, तो अरुणाचल प्रदेश के 69 विधायकों चो 4 विधायक अरबपति ने। इस मसले च DK जेडे बोले ने सब तो अमीर विधायक ने, वो कहिंदे ने जदों उन्हां नूं पुछया गया कि तुहाडी प्रॉपर्टी इन्नी कितों जी, स्पष्ट उन्हें कहा कि सब तो ज़्यादा अमीर नहीं है पर गरीब भी नहीं है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ 2018 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ 2020 'ਚ 16 ਲੱਖ ਸੀ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ 23 'ਚ 16 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 4.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8700 ਕਰੋੜ ਸੀ 2018 ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 'ਚ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,35,000 ਹੈ ਉਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8,35,000 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2018 'ਚ 1.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2023 'ਚ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ। ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ 18 'ਚ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ 942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ MLA ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ MLA ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਸੂਬੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MLA ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਆ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ABC ਪੰਜਾਬ, ਧੰਨਵਾਦ।